रितेश रितेश को उनकी भाभी बना लेती हैं अपनी ननद अपने देवर से। पर ऐसा वो क्यों करती हैं वो आपको आज की स्टोरी में जानने को पता चल मतलब जानने को मिलेगा। और रितेश ऐसे फुल तैयार नहीं होना चाहते थे, बट फिर भी उनकी भाभी ने उनको ऐसे तैयार किया और उनको उनकी पिक्स भी ली, उनकी वीडियो भी बनाई। तो रितेश ने ये स्टोरी और पिक्स और वीडियोस में सर शेयर की थी और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज़ इन पर वीडियो बना दीजिए। तो अगर आपको स्टोरी से या पिक्स से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मेरी आईडीज़ पर कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगी। और अगर आप चाहते हैं इनकी वीडियोस देखना तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इनकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज की जो स्टोरी है वो है रितेश की। रितेश को एक्चुअली थोड़ी बहुत फीलिंग्स थी लेडीज़ मेकअप की। वो छुप छुपा कर कभी लिपस्टिक वगैरह लगा लेते थे, कभी काजल वगैरह लगा लेते थे। मतलब उनको कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वो फुल मेकअप करना चाहते हों, और उन्होंने ऐसा कभी ट्राई भी नहीं किया था। और उनके घर में थी उनकी भाभी और उनके भैया। उनकी भाभी का एक ब्यूटी पार्लर था, तो वो अपने ब्यूटी पार्लर पर काम करती थी। बट रितेश कभी कभार उनकी लिपस्टिक्स यूज़ कर लेते थे, कभी कभी वो लिपस्टिक वगैरह लगा कर देख लेते थे। और हुआ क्या कि एक बार ऐसे ही रितेश उनकी जो लिपस्टिक है वो लगा कर देख रहे थे, तो उनकी जो भाभी हैं वो उसको पकड़ लेती हैं रंगे हाथों लिपस्टिक लगाते हुए। तो वो रितेश को बोलती हैं कि अभी ये सब मैं तुम्हारे भैया को बता दूंगी, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम एक लड़के होकर लिपस्टिक क्यों लगा रहे हो। और उसको बहुत कुछ बोलती हैं। रितेश बहुत डर जाते हैं कि ये क्या हुआ, अगर भैया को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे और शायद मुझे मार भी पड़े। बिकॉज़ बॉयज़ का लिपस्टिक वगैरह लगाना या मेकअप करना हमारे सोसाइटी अच्छा नहीं समझती है, उसको एक अलग ही नज़रिए से देखती है। रितेश बहुत डर जाते हैं और वो अपनी भाभी को सॉरी बोलने लगते हैं कि सॉरी भाभी, मैं आज के बाद आपकी कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करूँगा। तो रितेश की भाभी बोलती हैं कि तुम मेरी चीज़ यूज़ नहीं करोगे बट अपनी खरीद कर तो तुम लगाओगे ना, मैं तुम्हारे भैया को ज़रूर बताऊँगी ये बात कि तुम ऐसे काम करते हो। रितेश उनको प्रॉमिस करते हैं कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा और आप जो जैसे भी बोलेंगी जो भी बोलेंगी मैं वही करूँगा, तो प्लीज़ आप ये सब भैया को मत बताना। तो रितेश की भाभी उसको बोलती हैं कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अपने हाथों से फुल विमेन का जो मैरिड विमेन का जो लुक होता है वो दूंगी और तुम उसके लिए मुझे मना नहीं करोगे और चुपचाप जो भी मैं बोलूँगी वो करोगे। तो रितेश की मजबूरी थी। रितेश ने कभी नहीं सोचा था कि वो फुल मेकअप करेंगे, ज्वेलरी पहनेंगे, साड़ी पहनेंगे, चूड़ियाँ पहनेंगे। उनके माइंड में ऐसा कभी कुछ नहीं आया था, पर उनको डर था कि अगर उन्होंने भाभी की बात नहीं मानी तो वो भैया को बताएंगी और फिर अच्छा नहीं होगा। रितेश उनको हाँ बोल देते हैं। तो रितेश के भाभी का पहले ही एक पार्लर था, वो उसको नेक्स्ट डे पार्लर में ले जाती हैं। और पार्लर में ले जाकर सबसे पहले उसको बोलती हैं कि अभी पहले मैं तुम्हारी वैक्सिंग करूंगी, तुम्हारी बॉडी पर जो भी एक्स्ट्रा हेयर हैं वो मैं तुम्हारे सारे रिमूव कर दूंगी। रितेश उनको मना करते हैं कि नहीं भाभी, आप प्लीज़ मेकअप कर लीजिए पर ये हेयर्स वगैरह रिमूव मत कीजिए। पर उनकी भाभी उनकी एक नहीं सुनती हैं और उसको बोलती हैं कि चुप रहो और जो भी मैं करती हूँ तुम चुपचाप वो करवाते रहो। रितेश चुप हो जाते हैं। रितेश की जो भाभी होती हैं वो उसकी वैक्सिंग करती हैं, उसके हैंड्स के और लेग्स के जितने भी एक्स्ट्रा हेयर होते हैं, यहाँ तक के चेस्ट के भी जो हेयर्स ब्लाउज में उनको लग रहा था कि दिखेंगे, अंडर आर्म्स वगैरह सारा कुछ वैक्स कर देती हैं, उसके फेस की अच्छी तरह से शेविंग कर देती हैं। और रितेश के जो भी अनवांटेड हेयर होती हैं सब निकाल देती हैं। उसके बाद उसको बोलती हैं कि तुम्हारी जो आईब्रोज हैं वो बॉयज़ की तरह दिखती हैं और तुम्हें अगर फीमेल लुक लेना है तो तुम्हारी आईब्रोज भी गर्ल्स की तरह दिखनी चाहिए, फीमेल की तरह दिखनी चाहिए। वो उसको पकड़कर चेयर पर बिठाती हैं और चेयर पर बिठाकर उसकी जो आईब्रोज हैं उनको बना देती हैं, एक पतली सी शेप दे देती हैं एक लड़की की तरह,
रितेश की जो आईब्रोज हैं उनको सेट कर देती हैं, और उसके बाद रितेश को बोलती हैं कि अभी तुम नहा लो, और उसको अंडरगारमेंट्स दे देती हैं पहनने के लिए। तो रितेश नहा कर आते हैं, बट वो नहीं पहन पाते हैं बिकॉज बॉयज़ देखिए नहीं कर पाते हैं ऐसा। तो रितेश की जो भाभी हैं वो उसको अपने हाथों से जो फीमेल अंडरगारमेंट्स होते हैं वो पहना देती हैं, और उसके बाद उसको पेटीकोट और ब्लाउज़ दे देती हैं पहनने के लिए। तो रितेश को पेटीकोट ब्लाउज़ पहना कर वो उसको मिरर के सामने बिठा देती हैं और फिर उसका मेकअप स्टार्ट करती हैं। सबसे पहले रितेश की भाभी उसके हाथों में पैरों में नेल पेंट लगाती हैं, उसके फेस पर क्रीम लगाती हैं, फाउंडेशन लगाती हैं और फेस पाउडर लगाती हैं, अच्छे से फेस का मेकअप कर देती हैं, नेल्स को रेडी कर देती हैं। उसके बाद रितेश की भाभी उनको लगाती हैं हेयर विग, और हेयर विग लगाकर एकदम से उनको जो फीमेल लुक होता है वो देती हैं, उनके बालों को ओपन कर देती हैं, और फिर जो स्टाइलिश वाला डिज़ाइन वाला बड़ा सा जो मांग टीका होता है वो रितेश के बालों में सेट कर देती हैं, माथे पर मांग टीका लगा देती हैं। तब तक रितेश की जो नेल पेंट है वो अच्छे से सूख जाती है, और उसके बाद रितेश की जो भाभी हैं उसके हाथों में ढेर सारी चूड़ियाँ पहना देती हैं। खूब सारी चूड़ियाँ पहनाने के बाद रितेश की भाभी उनके हाथों में हथफूल भी डाल देती हैं, मतलब रिंग्स के साथ अटैच करके, जैसे हथफूल होते हैं अगर आपने नहीं देखे होंगे तो, वैसे ज़्यादातर लोगों को पता है कि हथफूल क्या होते हैं, वो भी उनको पहना देती हैं। और उनको पहनाने के बाद वो रितेश को एक पिंक कलर की साड़ी पहनाती हैं, और साड़ी पहनाने के बाद पैरों में वो बिछिया पहनाती हैं। बिछिया पहनाने के बाद पैरों की भी जो हैवी वाली एक्सेसरीज होती हैं वो उसको पहना देती हैं। अभी इनका मुझे नहीं पता है कि क्या बोला जाता है, बट उसके पैरों को भी अच्छे से, जैसे कि आप पिक्स में देख सकते हैं, उनको पैरों पर भी वो एक्सेसरीज़ पहना देती हैं, और छमछम वाली पायल उनको पहनाती हैं, हाथों में खनखनाती हुई चूड़ियाँ, पैरों में पायल, और कमर पर लगा देती हैं कमर बंद। तो रितेश को उनकी भाभी फुल एकदम से मेकअप करके अच्छा सा तैयार कर देती हैं, उसके बाद उसकी आईब्रोज़ को फिल करती हैं, आईब्रो फिल करने के बाद आई मेकअप करती हैं, आईलाइनर उसको लगाती हैं, काजल उसको लगाती हैं, होठों पर लिपस्टिक लगाती हैं, कानों में पियर्सिंग करके उसको हैवी वाले झुमके पहनाती हैं। रितेश बोल रहे थे कि मुझे बहुत पेन हो रहा था, बट भाभी अपने मन से जो भी उनकी इच्छा हो रही थी वो सब करी जा रही थी। तो रितेश को हैवी ईयरिंग पहनाए जाते हैं, नाक पर चिपकाने वाली नोज रिंग उनको वो पहना देती हैं, और ये सब कुछ पहना कर वो रितेश की बहुत सारी पिक्चर्स भी लेती हैं, और काफ़ी सारी पिक्चर्स लेती हैं, उनकी वीडियोस बनाती हैं, और रितेश को अपने हाथों की खनखनाती हुई चूड़ियाँ और पैरों में छमछम करती हुई पायल रियल में बहुत अच्छी लग रही थी, बिकॉज रितेश ने कभी ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया था, और आज जब उन्होंने ये सब पहना था तो उनको लग रहा था कि वो एक फीमेल हैं, एक मैरिड वुमेन हैं। तो रितेश को एकदम से जो लेडीज़ वाली फीलिंग है वो आ रही थी। तो रितेश एकदम से अच्छे से तैयार हो जाते हैं, और पार्लर में ही उनकी भाभी उनकी वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह क्लिक करती हैं, उसके बालों को भी अच्छे से उनसे, जैसे किसी भी शादी में किसी भी पार्टी में दुल्हन से जो पोज बनवाए जाते हैं, मांग टीका दिखाते हुए, नोज रिंग दिखाते हुए, ईयरिंग दिखाते हुए, अपनी बैंगल्स दिखाते हुए, अपनी साड़ी दिखाते हुए, अपने पैरों का जो भी, मतलब पैरों पे जो भी एक्सेसरीज पहनी हैं वो दिखाते हुए, जितना कुछ भी पहनकर पिक्चर्स वो ले सकती थी वो सभी पिक्चर्स लेती हैं, और उसके बाद पॉजेज में उनकी वीडियोस भी लेती हैं। तो अगर आप उनकी वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि रितेश कैसे तैयार हुए और कैसे उन्होंने जो अपने पॉज हैं वो दिए थे। तो रितेश को
फुल्ली विमेन वाली फीलिंग्स आ रही थी और उनकी भाभी ये सब करके बहुत खुश हो रही थी और रितेश भी उनको मना नहीं कर रहे थे बिकॉज रितेश ने कभी ऐसा कुछ किया नहीं था, बट उनको थोड़ा बहुत जो फील होता था उसके उसके लिए वो काजल लगाना, लिपस्टिक वगैरह लगाना हल्का फुल्का यही करते थे। बट एक बात मेरे समझ में नहीं आती है कि जिस बात की धमकी देकर रितेश को उनकी भाभी ने एक फीमेल लुक में तैयार किया था और उनको ऐसे बॉडी वैक्स कर दिया था, उनकी आईब्रोज तक सेट कर दी थी, तो अगर उस टाइम उनके भैया उनको देखेंगे, उनकी आईब्रोज को बने हुए देखेंगे, फिर वो कैसे रिएक्ट करेंगे? ये बात ना रितेश ने सोची ना रितेश की भाभी ने सोची। बट जब मैं स्टोरी बना रही थी, वॉइस ओवर कर रही थी, तो मेरे माइंड में ये चीज़ आ रही थी कि जिस चीज़ को छुपाने के लिए रितेश अपनी भाभी की हर बात मान रहे हैं, उस बात को वो कैसे छुपाएंगे जब उनके हाथों के बाल और आईब्रो वगैरह फिल हुई और कानों में मतलब पियर्सिंग हुई वो देखेंगे, तो उनके भैया कैसे रिएक्ट करेंगे और फिर रितेश और उसकी भाभी इस बात को कैसे छुपा पाएंगे? अगर आपके माइंड में भी ये बात आ रही हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि क्या आपको भी स्टोरी सुन के ऐसा लगा कि जिस लिपस्टिक लगाने के शौक़ को छुपाने के लिए रितेश ने अपनी भाभी की बात मानी, अब अपनी आईब्रोज वगैरह, अपनी पियर्सिंग वो अपने भैया से कैसे छुपाएंगे और अब उनकी भाभी क्या करेंगी? तो अभी तो यही स्टोरी रितेश ने मेरे साथ शेयर की थी, हो सकता है कि आगे की स्टोरी वो फिर से शेयर करें। तो अगर उन्होंने आगे की स्टोरी शेयर की तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अब देख सकते हैं कि पिक्चर्स में पॉजेज रियल में रितेश ने बहुत अच्छे से दिए हैं, सिर पर साड़ी का पल्लू लेकर घूंघट स्टाइल में, मतलब हर तरह से रितेश पोज दे रहे हैं और एकदम से पिंक कलर की साड़ी में वो बहुत ही ब्यूटीफुल भी लग रहे हैं, प्रिटी भी लग रहे हैं। तो ये थी रितेश की स्टोरी, आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा और पिक्स और स्टोरी दोनों रिक्वेस्टेड हैं। तो प्लीज़ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है किसी भी चीज़ पर, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर मेरी इंस्टा पर, फेसबुक पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आईडी मैंने मेंशन की हुई है अपने अबाउट सेक्शन में, जहां पर भी आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो रितेश की स्टोरी, उनकी भाभी की स्टोरी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। आप भी बताना कि आपको कैसी लगी और रितेश का ये जो लुक है ये आप लोगों को कैसा लगा वो भी बताना। पिंक और ग्रीन कलर के बॉर्डर की साड़ी, हाथों में ढेर सारी चूड़ियाँ, माथे पर मांग टीका, गले में हैवी नेकलेस, गोल्डन कलर का ब्लाउज और कमर पे कमर बंद, पैरों में हैवी एक्सेसरीज, नेल पेंट, लिपस्टिक, काजल, आईब्रो फिल की हुई, मतलब फुल एकदम से मेकअप, खुले बाल। आई थिंक तो अगर किसी को ना बताया जाए कि ये एक बॉय है तो मेरे हिसाब से उनको पता नहीं चलेगा कि ये रियल में एक बॉय है या गर्ल है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? देखिए, देखकर अगर सिर पर पल्लू वाली साड़ी का जो पिक है वो हम देखें तो उसमें देखकर रियल में ही नहीं लग रहा है कि ये एक बॉय है। तो अभी बाय बाय, टेक केयर।